बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू वीडियो लेक्चर सीरीज फॉर कोर्स नंबर 301 फिजिकल ज्योग्राफी। वी आर रेफरिंग टू द बुक जियो सिस्टम्स बाय रॉबर्ट क्रिस्टोफर सन फॉर ऑल दीज लेक्चर्स। सो इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 8 एंड द टाइटल ऑफ दैट चैप्टर इज वेदर। सो टू अंडरस्टैंड वॉट वेदर इज, of course we need to know the definition of weather. So it is the condition of atmosphere which changes after a short period of time, and compared to the weather there is another term which is climate. So climate is the average of all the weather conditions recorded for at least 15 20 25 or 30 years. There are different number of years told by different scientists or different geographers. So the best one is 30 years, like when we are taking average of weather conditions for 30 years or more, then we have a very precise information of climate. So weather and climate both are conditions of atmosphere, but weather is for a short period of time, it stays for a short period. ये जल्दी जल्दी चेंज हो जाता है, जैसे कि सनी सनी वेदर है, क्लाउडी वेदर है, विंडी वेदर है, सो इट चेंजेस वेरी क्विकली। बट क्लाइमेट इट रिमेंस कॉन्स्टेंट फॉर ईयर्स, क्योंकि ये एवरेज लिया जाता है किसी भी गिवन प्लेस का, सो दैट एवरेज डज नॉट चेंज वेरी क्विकली। क्लाइमेट में इंक्लूडेड फैक्टर्स हैं मौसम किसी भी जगह का, वेदर इट इज़ It has summers in June and the spring season in March, winters in December and January. So this is a climatic condition, and we all know that these climatic conditions do not change over a lifetime of a human being. So if we say climate of Pakistan is warm, mostly warm, so it will remain warm. ऐसा नहीं होगा कि कराची का क्लाइमेट पाकिस्तान का क्लाइमेट एकदम से चेंज हो जाए, या एंटार्क्टिका एकदम से वार्म हो जाए, या साइबेरिया का टेम्परेचर चेंज हो जाए, या सहारा डेजर्ट एकदम से ठंडा हो जाए। सो उनका जो कैरेक्टर, क्लाइमेट कैरेक्टर है, दैट रिमेंस एंड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और ये चेंज होता है, अगर की चेंजेस की बात करें तो इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। So this chapter deals with the explanation of weather, different phenomena involved in weather. So जब हम weather और atmosphere की बात करते हैं तो एक science आती है, special branch of science which is called as meteorology, and meteorology is the branch of science which deals with the study of atmosphere. वो science जो atmosphere को study करे meteorology कहलाती है। ओके, सो टू स्टडी वेदर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इज द टर्मिनोलॉजी ऑफ एयर मास। वी शुड नो व्हाट एयर मासेस आर। नाउ इफ़ वी रेफर टू चैप्टर नंबर 7, पिछले यूनिट में हमने डिस्कस किया था एयर पार्सल्स। सो एयर पार्सल भी एक एयर एटमॉस्फेयर का एक छोटा पार्ट था, जो कि एक लोकल एरिया पे, एक छोटे एरिया पे, टर्शरी डिवीजन के अकॉर्डिंग उसका एक अपना कैरेक्टर होता था, ह्यूमिडिटी का, टेम्परेचर का। इसी तरह से एयर मासेस, let's refer back to the concept of three categories of circulation: primary circulation, secondary circulation and tertiary circulation. So air masses secondary circulation की category में आता है, यानी जब हम दुनिया के बड़े बड़े areas को consider करें। primary circulation में जब हम पूरी दुनिया को as a whole देखते हैं, यानी कि जब हम बात करें पोलर एयर टू द इक्वेटर, इक्वेटोरियल एयर टू द पोल, तो हमने दुनिया को सिर्फ ओवरऑल तीन हिस्सों में डिवाइड करके बात की। सो दैट इज़ द प्राइमरी सर्कुलेशन। और सेकेंडरी सर्कुलेशन में हम बात करते हैं डिफरेंट ओशंस की, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स की। तो ये बड़े यूनिट्स ऑफ लैंड हम इसमें सेलेक्ट करते हैं। सो एयर मासेस आर द पार्ट्स ऑफ एटमोसफेयर विच आर स्प्रेड अक्रॉस a large area, for example any ocean or any continent or part of a continent. So these air masses, they define the weather conditions of
अ गिवन एरिया, और हर एयर मास का अपना टेम्परेचर होमोजीनस, इट विल बी होमोजीनस थ्रू आउट अ पर्टिकुलर एयर मास. द टेम्परेचर विल बी सेम, मोर और लेस सेम, ह्यूमिडिटी विल बी सेम, एंड द स्टेबिलिटी विल बी सेम. दीज एयर मासेज माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड द माइग्रेशन ऑफ दीज एयर मासेज एंड द इंटरेक्शन ऑफ दीज एयर मासेज, जब ये एयर मासेज एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, मूव करते हैं, तो फिर ये डिफरेंट वेदर कंडीशंस को डिफाइन करते हैं. सो नाउ द कैटेगराइजेशन ऑफ एयर मासेज. सो एयर मासेज आर कैटेगराइज ऑन टू बेसिस, द मॉइस्चर एंड टेम्परेचर. मॉइस्चर के अकॉर्डिंग दो कैटेगरीज हैं, द एम कैटेगरी एंड द सी कैटेगरी. एम कैटेगरी फॉर मैरीटाइम, जिसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा, एंड सी इज़ फॉर द कॉन्टिनेंटल कैटेगरी विच इज़ ड्राई. दैट मीन्स के नमी का तनासब ड्राई एयर मास के अंदर कम होगा, मैरीटाइम एयर मास के अंदर नमी का तनासब ज़्यादा होगा. देन अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, ये टेम्परेचर का जो फैक्टर है ये लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग है. बिकॉज अगर हम दुनिया को ग्रॉस डिवीजन ऑफ लैटिट्यूड पे देखें, तो लोअर लैटिट्यूड्स हमेशा वार्म होते हैं और हायर लैटिट्यूड्स ठंडे होते हैं. लोअर लैटिट्यूड मीन्स इक्वेटर और ट्रॉपिकल एरिया, जिसकी वैल्यू 0 degrees, 23.5 degrees और इसके आसपास. सो लोअर वैल्यूज़ हैव लोअर टेम्परेचर, सॉरी लोअर वैल्यूज़ हैव हायर टेम्परेचर. एंड वेन वी मूव टूवर्ड्स द पोल, जहाँ पे 90 degree, 89 degree की लैटिट्यूड वैल्यूज़ पर टेम्परेचर वहाँ पे कम होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दैट एयर मासेस की भी कैटेगराइजेशन है, कैटेगरी ए, कैटेगरी पी, टी, ई एंड डबल ए. सो कैटेगरी ए है आर्कटिक रीजन, यानी कि आर्कटिक ओशन के आसपास, नॉर्थ पोल के पास. देन पी फॉर पोलर, फॉर बोथ पोल्स, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. टी फॉर द ट्रॉपिकल रीजन, इसमें दोनों ट्रॉपिक्स आ जाएंगे हमारे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. देन ई फॉर इक्वेटोरियल, इक्वेटर के अलॉन्ग जो भी एयर मासेस हैं. एंड डबल ए फॉर एंटार्कटिक. सो हियर आर थ्री कैटेगरीज विच लुक क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर, लाइक द डबल ए कैटेगरी, पी कैटेगरी एंड ए कैटेगरी. तो ए कैटेगरी इज स्पेसिफिकली फॉर आर्कटिक ओशन, डबल ए कैटेगरी इज स्पेसिफिकली फॉर द एंटार्कटिका, जबकि पी पोलर कैटेगरी जो है वो पोल्स के अराउंड जो रीजन है उसके लिए काउंट किया जाता है, यानी कि 80 डिग्री नॉर्थ या 80 डिग्री साउथ या इसके सराउंडिंग रीजन्स पे. सो एवरी एयर मास विल हैव सर्टेन मॉइस्चर, एवरी एयर मास विल हैव सर्टेन टेम्परेचर. इसके अकॉर्डिंग एयर मासेस की नेमिंग किस तरह से है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव द सी पी एयर मास, कॉन्टिनेंटल पोलर. इसी तरह से हम हर अल्फ़ाबेट के साथ दूसरी कैटेगरी के अल्फ़ाबेट को मिलाएंगे, तो वी विल हैव द एयर मासेस कैटेगरी. लेट्स हैव अ लुक. एम विद ए, सो मैरिटाइम आर्कटिक, मैरिटाइम देन कॉन्टिनेंटल आर्कटिक, देन मैरिटाइम पोलर, मैरिटाइम ट्रॉपिकल, मैरिटाइम इक्वेटोरियल, मैरिटाइम एंटार्कटिक. देन विद सी, कॉन्टिनेंटल पोलर, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल इक्वेटोरियल एंड कॉन्टिनेंटल एंटार्कटिक. इस तरह से एयर मासेस की डिफरेंट नेमिंग की जाती है. दीज एयर मासेस माइग्रेट फ्राम वन एन अदर, टेकिंग देयर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक, द कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर एंड मॉइस्चर फ्राम द सोर्स एरिया टू the other area, and then slowly and gradually the nature of the air mass change according to the destination region. So this happens to the air masses moving from the cold region to a warmer region, and then some air masses which are moving from warmer regions to the colder regions, their nature changes and those air masses actually modify themselves. So in this lecture discussed the difference between weather and climate, and then description of air masses. So that's all for this lecture. In the next video we will talk about atmospheric lifting mechanism. Till then, thank you very much for watching.